first numerical है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टन रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, तो कोई मुझे बताएगा आप ये क्या गिवन है? ई वेक्टर, आई कैप जे कैप में ई वेक्टर, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस फील्ड ओवर एरिया ऑफ, तो ये क्या गिवन है? एरिया वेक्टर, एस वेक्टर या डी एस वेक्टर, दोनों वेक्टर फॉर्म में गिवन है। क्या निकालना है? फ्लक्स। इसमें क्लोज बॉडी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ई वेक्टर गिवन है, एस वेक्टर गिवन है, तो फ्लक्स क्या होगा? टोटल ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, क्योंकि आपको ई वेक्टर पता है, क्योंकि आपको एस वेक्टर पता है, तो आई को आई के साथ आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, और के तो जीरो हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट लेके आंसर आ जाएगा। तो पहला रिजल्ट क्लियर है कि आपको फ्लक्स निकालने का ये तरीका भी पता होना चाहिए, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर से आंसर आएगा, ठीक है यहां तक। दूसरा, इफ ई वेक्टर की वैल्यू इज गिवन, ई वेक्टर गिवन है, डायरेक्शन बोलो कहां पर है ई वेक्टर की, अलोंग एक्स एक्सिस, आई कैप है तो एक्स एक्सिस होगा, फाइंड फ्लक्स ऑफ फील्ड, क्या निकालना है? फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में से ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा, उसका फ्लक्स निकालना है। तो एरिया क्या होगा स्क्वायर का? 10 × 10 है ना, 10 × 10 मीटर में कन्वर्ट कर लेना, एरिया ए की वैल्यू भी आ गई। हूज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, मुझे एक चीज का आंसर दें, सामने की दीवार वाई जेड प्लेन है, स्क्वायर है, वाई जेड प्लेन है, उसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कहाँ पे होगा? इस तरफ होगा, क्योंकि अगर ये प्लेन है एरिया वेक्टर ऐसे होगा। तो अगर मान लो ये वाई है, ये जेड है, तो ये एक्सिस कौन सा है? एक्स है, तो एरिया वेक्टर के पीछे कैप क्या लगेगा? आई कैप, आई कैप। तो पॉइंट क्लियर है, जैसे ये जो फ्लोर है ये मान लो एक्स वाई प्लेन है, मान लो एक्स वाई प्लेन में ये फ्लोर है, तो इस फ्लोर का एरिया वेक्टर कहाँ होगा? परपेंडिकुलर टू द फ्लोर, ऊपर की तरफ मान लो कौन से कैप में आएगा? के कैप, जेड एक्सिस में होगा, है ना, तो एरिया वेक्टर आउट ऑफ प्लेन निकलेगा हमेशा, क्योंकि वो हमेशा परपेंडिकुलर है। अगर मान लो ये फ्लोर वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, तो एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस में है, अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो एरिया वेक्टर जेड में है, अगर ये मान लो जेड एक्स प्लेन है तो एरिया वेक्टर वाई में चलेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? तो इसमें आपको ई वेक्टर गिवन है, आपको इसमें एरिया वेक्टर कहाँ पे गिवन है? एरिया वेक्टर वाई जेड प्लेन में गिवन है, सॉरी जो स्क्वायर है वो वाई जेड प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर कहाँ निकलेगा? आई कैप में। तो ये शीट है वाई जेड प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर कहाँ निकलेगा? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो एरिया वेक्टर में और ई वेक्टर में एंगल क्या बनेगा? जीरो। ई वेक्टर तो ऑलरेडी एक्स में है और एरिया वेक्टर भी वाई जेड प्लेन की वजह से कहां पर आ गया? एक्स में, तो दोनों में एंगल क्या है? जीरो। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ई का मैग्नीट्यूड पता है आपको, ई के मैग्नीट्यूड के साथ एरिया वेक्टर पता है, एरिया में करेक्शन है, 10 सेंटीमीटर है, 10 × 10 की पावर -2 भी कर ले प्लीज, 10 × 10 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर है ना, तो मीटर में कन्वर्ट किया और कॉस ऑफ जीरो, तो आंसर आ जाएगा फ्लक्स का। अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लें, आपको इस क्वेश्चन में ई वेक्टर गिवन है 5 × 10³ आई कैप, आप इसमें एस वेक्टर लिख लें 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर के पीछे कौन सा कैप? आई कैप, क्योंकि शीट वाई जेड प्लेन में है तो आई कैप। तो फ्लक्स की वैल्यू ऐसे कर लें, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एंगल वाला काम करना है, एंगल कर लें, एंगल जीरो होगा, नहीं तो डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो इसको जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे आई डॉट आई क्या आएगा? वन, तो आंसर आ जाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें?
नेक्स्ट है, देखो एक ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैं ना इसको डायग्राम से नहीं समझा सकता, मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ और ये आएगा पेपर में ऐसा क्वेश्चन पक्का, कहीं ना कहीं जरूर आएगा, ध्यान से देखना। सपोज करो, लेट अस सपोज ये एरिया वेक्टर है, ठीक है, ये एरिया वेक्टर है, और मान लो एरिया वेक्टर एस मींस ये आपकी कोई भी शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग है, फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है, ठीक हो गया। एरिया वेक्टर इसका कहां पे होगा, इस तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया इधर है मान लो, तो बोलो ई और डीएस में एंगल कितना है, जीरो है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, क्योंकि ई वेक्टर तो है ही राइट, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, ई डी एस कॉस जीरो, फ्लक्स आ जाएगा, तो फ्लक्स की वैल्यू यहां पर क्या मार्क करेंगे, ई डी एस कॉस जीरो। चलो क्वेश्चन चेंज, वो कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है, अभी भी इसी तरफ है, आपने इस प्लेन को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रख दिया, तो इस दिस लूप इज लाइंग या दिस शीट इज लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब वो कहेगा इसका फ्लक्स क्या होगा, बोलो जीरो, क्यों, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर आपकी तरफ चला गया, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आपकी तरफ चला गया, तो ई टी एस में एंगल क्या है, 90, तो बोलो फ्लक्स क्या होगा, ई डी एस कॉस 90, बहुत पूछते हैं ऐसे, और 99% क्वेश्चन में लूप को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही रखता है ताकि आंसर फटाफट जीरो आ जाए, तो ई डी एस कॉस 90। अब असली क्वेश्चन सुनो जिसमें फंसा सकता है और बहुत बार आया हुआ है, ध्यान से देखना, ये ई वेक्टर है ऐसे ही है, ये लूप है, ये लूप ऐसे है, ठीक है, इट इज लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर कहाँ है, आपकी तरफ है, ये रहा, एंगल इनके बीच में क्या है, ई और डी एस में 90। वो कहेगा कि इनिशियली सिचुएशन लूप की ऐसी थी, मैंने लूप को ऐसे घुमा दिया 30 डिग्री, मैंने लूप को ऐसे घुमा दिया 30 डिग्री, तो बताओ ई और डी एस में एंगल क्या है, मैंने लूप को 30 डिग्री घुमाया, तो देखो आपने एंगल किस में निकालना है, ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर में, एरिया वेक्टर कैसे था पहले, एरिया वेक्टर ऐसे था आपके पास, ठीक है, एंगल क्या था उनके बीच में 90, जब आपने लूप को ऐसे घुमाया तो ये पेन एरिया वेक्टर भी 30 घूम गया, पहले एरिया वेक्टर आपकी तरफ था, जब आपने लूप को ऐसे घुमाया तो एरिया वेक्टर भी साथ में घूम गया, वो तो परपेंडिकुलर रहेगा, तो बचा हुआ एंगल कितना है, क्योंकि यहां से 30 घुमा तो बचा हुआ कितना है, 90 - 30 = 60, तो फ्लक्स आएगा ई डी एस कॉस 60, आएगा ही आएगा पेपर में, उसने देना ही देना है ये लूप घुमाने वाला काम, कि जिसके अंदर वो कहेगा इनिशियली लूप जो है वो ऐसे पड़ा हुआ है, तो एरिया वेक्टर ऐसे है 90 डिग्री पे है, फिर वो कहेगा लूप घूम गया, तो बस ये याद रखना जब भी ये लूप घूमेगा 30 डिग्री, तो ये पेन भी 30 डिग्री घूमेगा, एरिया वेक्टर भी 30 डिग्री घूम जाएगा, तो इनिशियली एरिया वेक्टर ऐसे था, लूप घूमा तो एरिया वेक्टर 30 घूम गया। अब सोचने वाली बात यह है कि पहले ई वेक्टर ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, तो जब ये लूप घूमा एरिया वेक्टर घूम गया भाई 30 डिग्री, मेरा हाथ 30 इधर चला गया, तो बचा हुआ एंगल कितना है 60, तो ई डी एस कॉस 60 से आंसर मार्क करना, क्लियर है। बहुत मिस्टेक होती है, लोग 30 से कराते हैं फिर कहते हैं पेपर बढ़िया हो गया, ई डी एस कॉस 30, गलत है, ई डी एस कॉस 60 रहेगा। समझ में आ रहा है ये स्टाइल कैसे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक। नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन है, स्फेरिकल गॉशियन सरफेस एनक्लोजेस अ चार्ज ऑफ इतने कूलम। पहली बात तो वो कह रहे हैं स्फेरिकल गॉशियन है, उसके अंदर चार्ज है, एनक्लोज का मतलब अंदर चार्ज है, तो अगर एनक्लोज का मतलब अंदर चार्ज है और वो फ्लक्स पूछ रहा है, तो मैं क्यों लगाऊंगा ई डॉट डी एस, मैं किसको याद करूंगा, गॉस को। तो गॉस ने क्या कहा था, अगर क्लोज सरफेस है तो क्यों ई डॉट डी एस लगाते हो, फ्लक्स कैसे निकलेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज पता है बाय एप्सिलॉन नॉट, आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन है, इफ, ये बहुत आता है, पेपर में ऑब्जेक्टिव, अगर मैंने रेडियस को डबल कर दिया,
मैंने स्फीयर के रेडियस को डबल कर दिया, 4πr² से 4π2r का स्क्वायर हो गया, तो बोलो फ्लक्स का क्या हुआ? बहुत लोग इसको 4 times करके आते हैं, 90% लोग 4 times करके आएंगे, क्योंकि E.ds में ds होगा 4πr², तो कहते हैं फ्लक्स जो एरिया पे डिपेंडेंट है, ई डॉट एरिया, और एरिया में 4πr² आ रहा है, तो r का स्क्वायर डबल करेंगे तो 4 times आंसर आएगा। गलत है, आंसर सेम रहेगा। तो बहुत लोग पूछते हैं कैसे, क्योंकि अगर मान लो मैं गॉस थ्योरम लगाऊं, गॉस थ्योरम कहती है कि एक स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, वो स्फीयर का साइज मैटर नहीं करता गॉस को, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है चाहे बहुत बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं, वो कहता है कि फ्लक्स इंडिपेंडेंट ऑफ साइज है, अगर किसी बंद बॉडी के अंदर चार्ज है, बॉडी बड़ी छोटी कोई फर्क नहीं, फ्लक्स एक ही आएगा Q/ε₀। पर अगर अपना दिमाग लगाएं E.ds, तो एरिया 4πr² में जब r चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा। क्या कहते हो, सेम रखें कि चेंज बोलें? फिर क्या जस्टिफिकेशन दूं मैं? कोई स्टूडेंट क्लास के बाद पूछ लेगा सर E·4πr² यूज करते हैं तो 4 times आ रहा है, गॉस का तो ठीक है, ये दो कॉन्ट्रडिक्शन कैसे कर रहे हैं? तो तीसरी एक्सप्लेनेशन सुनो मुझसे, जो एकदम कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देगी। फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ लाइंस जो परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही है किसी गिवन सरफेस एरिया से, ठीक। तो ये देखो, इमेजिन करो ये क्यू चार्ज है और वो आर रेडियस के अंदर पड़ा हुआ है, तो इसका फ्लक्स क्या होगा? Q/ε₀, यही होगा। ये क्यू चार्ज लाइंस बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से बाहर की तरफ जाएंगी, क्या ये स्टेप क्लियर है, जा रही है? अब एक बात बताओ, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार क्रॉस करती है, अगर मैं इसका साइज डबल भी कर देता हूं तो भी कटिंग तो बराबर ही हो रही है, नंबर ऑफ लाइन जो क्रॉस कर रही है वो तो अभी भी 7 बार ही कर रही है, तुम साइज और छोटा कर दो तो भी ये क्यू चार्ज लाइंस कट तो बराबर ही कर रहे हैं, तो इसलिए फ्लक्स की वैल्यू रिमेन्स सेम। अब छोटा लो, बड़ा लो, बड़ा लो, जितना मर्जी बड़ा लो, नंबर ऑफ लाइंस कितनी बार क्रॉस हुई वही फ्लक्स है, तो साइज से इंडिपेंडेंट है, फर्क ही नहीं पड़ता उसमें। फिर कोई कहेगा E.ds क्यों नहीं लग रहा? लग रहा है, अगर आप एरिया बड़ा लेते हो ना तो E की वैल्यू भी चेंज हो रही है, क्योंकि चार से दूर जा रहे हो तो E नॉन यूनिफॉर्म है, तो आप उसको नहीं देख रहे, E कांस्टेंट थोड़ी ना, तो इसलिए E.ds में एरिया जब चेंज होता है तो E भी चेंज होता है, तो बेटर है आप उस चक्कर में मत पड़े। गॉस सबसे बढ़िया बंदा है, वो कहता है चक्कर में पड़ना ही नहीं है, बस ये बताओ क्लोज बॉडी के अंदर चार्ज है, कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, कहता सोचो ही मत जी, आंसर Q/ε₀, दुनिया जो मर्जी फॉर्मूला लगाए तुम टस से मस मत होना, Q/ε₀ ही बोलना, वो स्फीयर को 8 गुना ज्यादा बड़ा कर दे तो भी आंसर सेम। क्लियर है? तो आइडिया समझ में आ रहा है ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस कटिंग बराबर ही रहेगी। नेक्स्ट, ये रीजन समझ में आ गया ना कि ये चेंज हो रहा है, इसलिए वो मत लगाना, Q/ε₀ ही लगाना। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन में ये गिवन है, एक ना पॉइंट चार्ज है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पॉइंट चार्ज है 10 μC का, ये रहा, और ये कहां पर पड़ा हुआ है? 5 cm डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 cm, एक शीट पड़ी हुई है 10x10 की, इसके 5 cm ऊपर ये चार्ज पड़ा हुआ है, क्या करना है? वो कह रहा है कि आप बस एक काम करो, वॉट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज लाइन्स यहां से निकलेंगी ऐसे ऐसे हर तरफ निकलेंगी, पर कुछ लाइन्स इस सरफेस एरिया में से भी तो पास करेंगी, कट करती भी जाएंगी, तो इसका कुछ तो फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स निकालते क्या होगा? मेरे पास फ्लक्स निकालने के सिर्फ 2 तरीके हैं,
पहला E डॉट ds। अब मैं E डॉट ds लगा नहीं पा रहा इसमें, क्योंकि E की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं, फिर E की डायरेक्शन मुझे पता नहीं, क्योंकि ये जो लाइंस हैं अपने मन से बना रहा हूँ। कोई स्टूडेंट कितनी लाइंस बनाएगा वो तो इमेजिनरी है ना, मुझे क्या पता कितनी बनाएगा, लाख बनाएगा कि 2 लाख बनाएगा, मुझे क्या पता। तो मैं E वेक्टर कैसे निकालूंगा, हर पॉइंट पर E चेंज हो रहा है, तो E डॉट ds तो मेरे बस का है नहीं। मैं लगाना चाहता हूँ अब गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की प्रॉब्लम है वो किस पे लगती है, एक क्लोज्ड बॉडी पे, और शीट इज नॉट अ क्लोज्ड बॉडी, ये शीट क्लोज्ड बॉडी नहीं है, ठीक है यहाँ तक। तो मैं दोनों मेथड लगा नहीं पा रहा, तो मुझे याद आया गॉस ने कहा था शीट जरूर है पर तुम इमेजिनरी बॉडीज पे भी लगा सकते हो गॉस थ्योरम, जरूरी नहीं कि एक्चुअल में बॉडी लानी पड़ेगी। तो ये बात क्लिक कर गई। तो मैंने क्या किया, अगर इमेजिन करो ये फ्लोर एक शीट है 5x5 की, और ये कैमरा एक चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो इसका फ्लोर का फ्लक्स निकालना है, कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं। तो मैंने इसके फ्लोर के पैरेलल ये छत को डाल दिया इमेजिनरी, फिर यहाँ और यहाँ दीवारें डाल दी, सामने भी दीवार इधर भी दीवार, तो बन गया क्यूब। मतलब मैंने बंद कर दिया चार्ज को हर तरफ से, और चार्ज कहाँ पर दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली इसके सेंटर पे। तो अब ये इमेजिनरी क्लोज बॉडी बन गई क्यूब। अब क्या मैं इस पे गॉस थ्योरम लगा सकता हूं, लगा सकता हूं, क्योंकि ये क्यू चार्ज से लाइंस यहां पे भी, 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 हर तरफ निकलने वाली हैं। तो क्यू चार्ज से लाइंस हर तरफ निकलने वाली हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअल में ये चीजें एग्जिस्ट थोड़ी ना करती हैं, इमेजिनरी हैं। मेरे को तो फ्लक्स सिर्फ बॉटम फ्लोर का निकालना है, कोई बात नहीं, जितनी लाइंस फ्लोर से निकलेंगी उतनी छत से भी निकलेंगी, क्योंकि सिमेट्री है ना, चार्ज सेंटर पे है, जो लाइंस नीचे फेंकेगा वो लाइंस यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये बताओ पूरे क्यूब का फ्लक्स कितना है, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, पूरे क्यूब का तो वही जाएगा। क्यूब में कितने फेसेस हैं, 6, मेरे को तो एक का निकालना है, और सभी फेस में फ्लक्स तो बराबर होगा, नंबर ऑफ लाइन तो बराबर जाएंगी, सिमेट्री है। तो एक काम करो, सबसे पहले क्यूब का निकाल लो, फिर एक फेस का निकाल लो, डिवाइड बाय 6 करके आंसर आ गया। तो क्यू की वैल्यू मुझे पता थी, 6 से डिवाइड किया, एप्सिलॉन नॉट पता था, आंसर आ गया। मतलब क्या चलाकी दिखाई, बंद बॉडी पहले कर ली सिमेट्री में, फिर 6 फेस का निकाल लिया, पूरे क्यूब का तो निकाल सकते हैं, फिर उसमें से डिवाइड बाय 6 कर दिया, तो पर फेस का आ गया, बात ही खत्म। इट इज स्केलर क्वांटिटी ना, तो नहीं कर पाता, अगर सेंटर में ना होता मैं नहीं कर पाता, मैं सिस्टम ही ऐसा बनाऊंगा कि वो सेंटर पे ही रहे, तो ही कर पाऊंगा, नहीं तो कर नहीं पाऊंगा, पूछेगा नहीं आपसे वो, ठीक। पर कुछ तो आपको गॉस थ्योरम लगाने के लिए सिमेट्री बनानी पड़ती है, नहीं तो बनेगा नहीं। क्लियर है यहाँ तक, पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि कैसे किया। इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन है, लो एक हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर के टॉप के ऊपर एक चार्ज पड़ा हुआ है, और ये ओपन हेमिस्फेयर है, इमेजिनरी चार्ज इसके सेंटर में पड़ा हुआ है, ढक्कन से बंद नहीं है, बस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है। आपको क्वेश्चन में गिवन है इस हेमिस्फेयर सरफेस का फ्लक्स निकालो। अब क्योंकि चार्ज क्यू से लाइंस यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, हर तरफ निकलती हैं, ऑब्वियसली यहाँ भी निकलेंगी, पर मेरे को सिर्फ हेमिस्फेयर का निकालना है। अब प्रॉब्लम यह है कि ई डॉट डी एस में ई तो मुझे पता नहीं, मैं लगा नहीं सकता, हेमिस्फेयर एक क्लोज बॉडी है नहीं, क्योंकि उसकी बिल्कुल ओपन सरफेस के ऊपर क्यू चार्ज पड़ा हुआ है। हाँ, अगर ये क्लोज्ड बॉडी होती कैसे, ये क्लोज बॉडी है, मैंने बंद कर दिया, क्लोज सरफेस है, और चार्ज को यहाँ रख दिया क्यू, और अब कोई पूछे इसमें फ्लक्स क्या होगा, बिना सोचे कहूँगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पूरी तरीके से बंद कर दिया तो टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बात ही खत्म है, बंद वो है नहीं, चार्ज उसके सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो इसलिए वो उसके अंदर क्लोज बॉडी बनती नहीं है। तो आप अगर इस हेमिस्फेयर का फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो इमेजिन करें एक और हेमिस्फेयर आपने इसके इसके ऊपर रख दिया, तो अब ये फिगर क्या दिखाई दे रही है, स्फेयर, और टोटल स्फेयर के सेंटर पे क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, तो जितनी लाइंस ये नीचे के हेमिस्फेयर में से पास करेगा उतनी लाइंस ये ऊपर से भी पास करेगा, तो बोलो पूरे स्फेयर का फ्लक्स कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम लगा दी। पर हमें दो स्फेयर हेमिस्फेयर का थोड़ा ना पूछा, हमें एक हेमिस्फेयर का पूछा, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2 आंसर, ये मार्क कर देना। तो अगर हेमिस्फेयर का आ रहा है, चार्ज उसके ऊपर है, तो आप एक और हेमिस्फेयर रख के सिमेट्रिकल बॉडी बनाएंगे।
अब एक स्टूडेंट कहता है कि सर ढकना ही है ना, क्लोज ही बनाना है, तो बना देता हूँ ना, ये देखो आपने ये क्वेश्चन दिया, मैं ऐसे बना देता हूँ, ऐसे ढक्कन रखूंगा टेढ़ा मेढ़ा। हाँ तो रख लो, ढक्कन का और हेमीस्फेयर का टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, पर जब बांटने की बारी आएगी तो अनइक्वल लाइंस जाएंगी इसमें, फिर मैं डिवाइड बाय टू नहीं कर पाऊंगा। डिवाइड बाय टू करने के लिए बॉडी नीचे और ऊपर की एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, सिमिट्री में फिगर बनेगी तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो समझ में आ रहा है? ठीक। अब जैसे क्वेश्चन चेंज हो गया, ये कटिंग करो, हेमिस्फेयर नहीं सिलेंडर है। क्वेश्चन है कि अगर एक सिलेंडर के फिर टॉप की सरफेस पे क्यू चार्ज रख दिया, फिर सेम प्रॉब्लम हो गई, और वो ओपन सरफेस है, ये देखो ओपन सरफेस है, नीचे क्लोज है, अब सेम प्रॉब्लम है। अब चार्ज से लाइंस हर तरफ निकलेंगी, पर मेरे को तो नीचे के सिलेंडर में से करनी है, तो मैं इमेजिन करूंगा इसके ऊपर सेम साइज का एक और सिलेंडर रख दिया, तो दो सिलेंडर्स का टोटल, दो सिलेंडर्स के सेंटर में क्यू चार्ज आ गया, दो सिलेंडर्स का टोटल फ्लक्स क्या माना जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमें तो एक का निकालना है, डिवाइड बाय टू इज द आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इसको आपने कैलकुलेट करना है? ठीक है यहां तक? ठीक। नेक्स्ट, मैंने कंफ्यूजन दूर करने के लिए तीन बॉडीज बना दी। ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूजन होती है। पहली, अगर ये बॉडी बंद है, लाइन डार्क का मतलब बिल्कुल क्लोज बॉडी है, ढक्कन लगा हुआ है और चार्ज क्यू बाहर है, तो 101% सोचना ही नहीं, चार्ज को बाहर निकाल दिया, बॉडी बंद कर दी, टोटल फ्लक्स क्या आएगा, जीरो। गॉस की सुननी है, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, क्योंकि आप अगर लगा दोगे ई और डीएस में आप गलती कर दोगे। गॉस सुलझा हुआ बंदा था, उसने कहा बॉडी बंद है, चार्ज की एंट्री नहीं हुई, तो भाई मेरी तरफ से फ्लक्स ही जीरो। फिर एक स्टूडेंट फिर मेरी बात मानेगा नहीं, वो घर जाके फिर सोचेगा, वो कहेगा ऐसे कैसे हो सकता है, क्यों चार्ज अगर यहां रख दूं, सर लाइंस तो पास करेंगी ना, यार ऐसे कैसे जीरो कर दिया, मतलब कितनी अजीब बात है। गॉस कहते हैं अगर 1 मिलीमीटर ऊपर चार्ज होता या अंदर फंस जाता फिर तो फ्लक्स जीरो, और अगर 1 इंच नीचे आ गया तो फ्लक्स नहीं होगा, ये क्या बात बनी, इतने से डिस्टेंस में क्या फर्क पड़ गया। जबकि जब मैंने यहां क्यू चार्ज लिया तो लाइंस पास हो रही थी, तो फिर बताओ इसका फ्लक्स जीरो कैसे कर दिया गॉस ने। हाँ, क्योंकि अगर कोई लाइन बाहर, चार्ज बाहर है, एंटर करती है इनवर्ड फ्लक्स, फिर बाहर भी कट करती हुई जाती है आउटवर्ड फ्लक्स, तो अगर चार्ज बाहर है तो लाइन एंटर एंटर करेगी, फिर कट एक बार कट करेगी, फिर बाहर निकलेगी, दूसरी बार कट करेगी, जब लाइन दो बार कट करती है नेट फ्लक्स पक्का जीरो ही आएगा। इसलिए चार्ज जब अंदर फंसा हुआ था तो वह एक ही बार कट करती हुई बाहर आएगी तो फ्लक्स होगा, पर जब चार्ज बाहर है तो वो दो बार कट करेगी, एक बार यहां पे इनवर्ड, एक बार आउटवर्ड, इसलिए नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो। तो यानी कि गॉस ने सही किया हुआ है काम अपना। लेकिन अगर फिगर चेंज हो जाए, चार्ज बिल्कुल अंदर कर दिया बस, फिर आंसर क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दो आंसर। तीसरा, अगर ये ओपन सरफेस हो और चार्ज मिड पॉइंट पे हो तो फिर क्या करना है, अभी किया था, फिर हेमिस्फेयर का स्फेयर बनाना है, फिर दो स्फेयर्स का क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सिंगल का 1/2 करना पड़ेगा, फिर तीसरा सॉल्यूशन है, इसके अलावा कुछ ना आता, बस यही आएंगे। मैंने केसी तीन बना दिए, आएंगे कहाँ से, चौथा सॉल्व भी नहीं होना आपसे अगर आ भी गया तो। बाकी हेमिस्फेयर के ऑब्जेक्टिव के अंदर दूंगा टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस। ये समझ में आया पहले तो? ठीक है, ठीक। कि यार गॉस जैसे बंदे इतने वेले थे यार, कितने खतरनाक इमेजिनेशन, ई डॉट डी एस, कमाल है यार।
ये लो, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ 1 रुपए का सिक्का लगाया है तो पता नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, डिज़ाइन के लिए लगाया है, दिखाता हूँ कैसे। वो कह रहे हैं जी इसमें ना कुछ चार्जेस हैं, 1, 2, 3 और 4, पिंक कलर का क्लोज बॉडी है, ये चार्ज क्लोज बॉडी के बाहर है। 1 रुपए का सिक्का मेटल का बना हुआ है जो कि न्यूट्रल है, तो डिज़ाइन के लिए है, इसका कोई काम नहीं है इसमें, चार्ज ही नहीं इसके ऊपर। वो कह रहे हैं सारे चार्ज मेरे से ले लो, टोटल फ्लक्स बताओ इसका क्या होगा। अब क्लोज बॉडी में फ्लक्स में कॉन्ट्रीब्यूशन कौन नहीं करेगा, बाहर वाला कौन, Q5, तो फिर कौन करेगा, 1, 2 और 3, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, Q1 माइनस Q2। देखो माइनस साइन लगाना है इसमें, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी एक क्लोज बॉडी है, क्लोज बॉडी है, क्यू और माइनस क्यू दोनों चार्ज हैं, तो नेट फ्लक्स पता है क्या होगा, Q माइनस Q बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या आएगा, किया था हमने, तो इसलिए यहां पे माइनस साइन लगेगा। तो नैनो का मतलब 10⁻⁹, तो Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, Q3 नेगेटिव है, Q5 को तो लेना ही नहीं है, क्वाइन न्यूट्रल है, उसका चार्ज ही नहीं है, बाय एप्सिलॉन नॉट आंसर। पॉइंट समझ में आया कि कैसे करना है फ्लक्स, ठीक, कोई डाउट इसमें? जैसे ये आता है पेपर में, ये CBSE के अंदर ऑब्जेक्टिव बहुत आता है, दो शेल्स हैं, एक S1 और एक S2, एक चार्ज है Q, एक चार्ज है 2Q। वो कहेगा S1 का फ्लक्स निकालो, S1 इज अ क्लोज बॉडी, चार्ज इसके अंदर होगा, बाहर नहीं होगा, कितना, Q, तो कितना फ्लक्स आएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर S2 का फ्लक्स निकाल लो, S2 के अंदर कितना चार्ज है, Q और 2Q, जहां मर्जी छुपा हो, अंदर तो Q1 2Q है, तो नेट चार्ज कितना है, 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कहेगा रेशियो निकालो दोनों के फ्लक्स की, तो दिस अपॉन दिस आंसर इज 1:3। समझ में आ रहा है कैसे करना है इसे, कोई डाउट इसमें? पहले इसका फ्लक्स निकाल लिया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फिर बाहर का फ्लक्स निकाल लिया 2Q + Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेक्स्ट है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन सेम क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लो S1 की जो सरफेस है उसको मैंने भर दिया विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, अब बोलो S1 का फ्लक्स क्या है। मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया, S1 का फ्लक्स क्या है, पहले S1 का फ्लक्स क्या था, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, अब कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, नहीं एप्सिलॉन m, क्योंकि अब वो डाइलेक्ट्रिक की वजह से मीडियम की तरह काम करेगा, तो Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन m। अब इसमें k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, Epsilon m by Epsilon नॉट, Epsilon m क्या है, K into Epsilon नॉट, इसके डिनोमिनेटर में पुट कर दो, तो आंसर आ गया, यानी कि फ्लक्स बिकम्स 1 बाय k टाइम्स अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भर दिया जाए। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे करना है इसमें, कोई डाउट इसमें? क्लियर है। अब नेक्स्ट है, इसमें डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन S1 एंड S2, इसके बीच में भर दिया, पहले S1 में भरा था, अब बाउंड इनके बीच में भर दिया, तो अब S1 का फ्लक्स क्या होगा, अब S1 का फ्लक्स के अंदर कितना चार्ज है, क्यू, और मीडियम तो वैक्यूम है, उसके अंदर तो भरा नहीं, तो आंसर इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक, कोई डाउट इसमें? इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, आना ही आना है, अगर डेरिवेशन ना आई, वो कोई कहता है ना तेरा सेट आसान आया था, मेरा सेट मुश्किल आया था, पता है क्यों कहता है, क्योंकि एक को तो आ गई डेरिवेशन और दूसरे को आ गया ये वाला न्यूमेरिकल, तो फिर न्यूमेरिकल वाला तो रोएगा ही ना यार, ये वाला न्यूमेरिकल, डेरिवेशन आसान थी, तो फिर ऐसा भी हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह मिलेगा, ये तो मेन्स में भी आ लिया एक बार, नीट में भी आ गया, NCERT की प्रॉब्लम है और बोर्ड में भी आता है, बहुत मतलब फेमस क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन है, देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुनो। आपको क्वेश्चन में गिवन है ई ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, जिसकी वैल्यू एल्फा एक्स रेस टू पावर 1/2। एल्फा की वैल्यू कितनी है 800, तो क्या आएगा 800 इंटू एक्स की पावर 1/2, यानी कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। जैसे इस पॉइंट पर एक क्यूब पड़ा हुआ है, क्यूब का एक फेस एट अ डिस्टेंस ऑफ ए है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पता है क्या होगा, एल्फा इंटू ए रेस टू पावर हाफ, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है ए प्लस ए 2a है, तो यहाँ पर क्या होगा एल्फा इंटू 2a रेस टू पावर हाफ, तो ई नॉन यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग है, गिवन है एक्स एक्सिस में है क्योंकि यहाँ पर एक्स लगा हुआ है, और फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब, और क्यूब की साइड भी गिवन है ए, फ्लक्स निकालना है पूरे क्यूब का। छह फेस हैं, ध्यान से देखना, पहला फेस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में, एरिया वेक्टर एक्स में है, दोनों के बीच में एंगल जीरो। इस फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, एरिया वेक्टर लेफ्ट है, तो इस केस में नेट जो एंगल इनके बीच में 180। एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ है, क्यूब के अंदर नहीं जाता, आउटसाइड क्यूब जाएगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स में ही है 180। टॉप की सरफेस में एरिया वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट में ही है, एक्स एक्सिस है, तो एंगल उनके बीच में 90। इसका एरिया वेक्टर नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट में ही है, तो फिर से एक बार 90। जो फेस ये दिख रही है आगे की तरफ, उसका एरिया वेक्टर आपकी तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी तरफ है, तो एंगल फिर से 90। सिर्फ दो फेस ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में एंगल 90 नहीं है, बाकी चार में 90 है, 1, 2, 3 और 4, ये दो में नहीं है। एक में एंगल कितना है, ई एस कॉस 0, ई एस कॉस 180। रादर इसके अंदर एक और चीज, इस पे कर लो ये ई 1 है और इस पे कर लो ये ई 2 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दोनों में सेम नहीं है, यहां पर अलग है वहां पे अलग है। अब इसका मतलब पूरे क्यूब का अगर मुझे फ्लक्स निकालना है, पूरे कंप्लीट क्यूब का, तो इस सरफेस का, पहली सरफेस का ई 1 एरिया कॉस 180 और सेकेंड सरफेस का ई 2 एरिया कॉस 0। कॉस 180 क्या है, -1, एरिया की वैल्यू ए स्क्वायर, तो ई 1 की वैल्यू, यहां पे डिस्टेंस एक्स का क्या है ए, तो ई 1 की वैल्यू क्या होगी ए इंटू एक्स की पावर हाफ, और यहां पे क्या होगी 2a इंटू एक्स की पावर हाफ, क्योंकि a प्लस ए, यहां पर x की वैल्यू कितनी है 2a, तो 2a इंटू एक्स की पावर हाफ। तो देखो e1 की जगह अल्फा इंटू ए की पावर हाफ, एरिया ए स्क्वायर कॉस 180 -1, e2 की जगह अल्फा इंटू 2a रेस टू पावर हाफ, एरिया की जगह ए स्क्वायर कॉस 0 तो 1 है, तो इसमें ये इनको मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस हाफ क्या है 5/2, 2 प्लस हाफ क्या है 5/2, ये आंसर आ गया। साइड आपको इसकी क्यूब की गिवन है, अल्फा आपको गिवन है, आंसर आ गया। मेथड समझ में आ रहा है, बस दो फेस का एंगल 90 नहीं है, एक 0 और एक 180, क्या स्टेप क्लियर है। अगला क्वेश्चन आएगा इसमें कि अगर इस क्यूब का कोई फ्लक्स आया है, कुछ तो आया है, तो बोलो क्यूब के अंदर चार्ज कितने हैं, क्या करें नेक्स्ट स्टेप। हाँ, दिस टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, वहां से क्यू की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड अगर पूछ ले तो। इसी बेस पे अगला क्वेश्चन मिलता जुलता क्वेश्चन है, सेम ही है, फिगर बस थोड़ी चेंज कर दी। तो क्या फिगर है, ई वेक्टर 200 i कैप है जब x ग्रेटर देन 0 है, i कैप का मतलब अलोंग x एक्सिस। ई वेक्टर -200 i कैप है या 200 - i कैप है अगर x लेस देन 0 है, और ये सिलेंडर को कहां रखा गया है, इसका सेंटर ओरिजिन पे रखा गया है, तो ये ओरिजिन है। x ग्रेटर देन 0 का मतलब राइट साइड, x लेस देन 0 का मतलब लेफ्ट साइड। तो इस रीजन में x पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड i कैप में है, यानी कि राइट है। इस रीजन में x नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड -i कैप है, यानी कि लेफ्ट है। तो ओरिजिन के इधर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, ओरिजिन के इधर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट है। मैग्नीट्यूड 200-200 है दोनों का, ठीक हो गया। आपको पूरे सिलेंडर का फ्लक्स निकालना है, रादर पहला पार्ट है हर फेस का निकालना है, थ्रू ईच फ्लैट फेस।
फ्लैट फेस तो इसमें एक या एक दो ही है, ये तो कर्व्ड फेस है। वैसे भी कर्व्ड फेस का फ्लक्स जीरो आएगा हमेशा की तरह, क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर। ई वेक्टर या तो राइट है या लेफ्ट है, तो ई में और एरिया में एंगल क्या बनेगा, 90। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का आंसर क्या होगा, जीरो। फ्लैट सरफेस की बात करें, इस सरफेस में ई वेक्टर कहाँ है, लेफ्ट है, और एरिया वेक्टर तो है ही लेफ्ट है, तो एंगल इनके बीच में क्या है, जीरो। तो क्या होगा फ्लक्स, ई एरिया पाई आर स्क्वायर, आपको रेडियस गिवन है इसका 5 सेंटीमीटर, ई पाई आर स्क्वायर कॉस जीरो। और उस फेस का क्या बनेगा, ई एरिया कॉस जीरो, क्योंकि वहां भी एंगल जीरो है, ई और डीएस में यहां भी एंगल जीरो है। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि माइनस प्लस का क्या चक्कर है, या तो ये मेथड फॉलो कर लें या कुछ भी मत करें, ऐसे करें, इस फेस का ई वेक्टर क्या है, -200 आई कैप वेक्टर फॉर्म में कर लें, डॉट एरिया वेक्टर कहां है, लेफ्ट, एरिया वेक्टर के पीछे भी क्या लगेगा, माइनस आई कैप, माइनस आई इज वन, तो आंसर आ जाएगा। आपकी मर्जी है, वेक्टर में करना है तो ऐसे कर लें, स्केलर में करना है तो वैसे ही कर लें, मतलब आपको ये पता होना चाहिए ई और डीएस में एंगल जीरो जीरो है। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, समझ में आ रहे हैं यहां तक? इसी के अंदर वो कह रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया का फ्लक्स क्या होगा, जीरो। इसी के अंदर टोटल चार्ज इनसाइड अ सिलेंडर क्या होगा, आपने दो प्लेन सरफेस लेफ्ट और राइट और कर्व्ड का तो जीरो है, तो पूरे सिलेंडर का टोटल फ्लक्स निकाल लें, उसको क्यू बाई एफ सेलन नॉट कर लें, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आपको शीट्स दी हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। आपने सब्जेक्टिव शीट नंबर 4, सब्जेक्टिव असाइनमेंट नंबर 5, 4, 5 एंड ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 7 आज के लेक्चर के ऊपर बेस्ड हैं। जितनी कर सकते हो कर लो, जो नहीं होगा मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। ट्राई करके आओ, पहली दो शीट्स एनसीईआरटी की हैं, आज हमने जो लेक्चर किया उसमें से काफ़ी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व होगी, जो नहीं होगी मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। हर कोई करके आएगा, कोई ऐसे नहीं आएगा कि मैं लेक्चर नहीं सुना, मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को तो ये हो गया, कुछ नहीं है, बस ये होमवर्क करके आना है। और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं छुट्टी पे हैं वो भी करके आएंगे।